मेरा यही कहना है कि हमारी सरकार का एक ही संकल्प है कि हमारा उत्तर प्रदेश भयमुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त रहेगा। भयमुक्त हमारा उत्तर प्रदेश हो चुका है। और रही बात अब भ्रष्टाचारी की, तो भ्रष्टाचार जो भी अधिकारी करेगा, जो भी ठेकेदार करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती रही है पिछले 5 साल में भी अगर आप देखें, और अभी आगे भी जो भी करने की कोशिश भी करेगा तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी सरकार द्वारा की जाएगी। अभी ये जो मुद्दा आया था, ये सिंचाई विभाग के द्वारा सड़क बनाई जा रही थी, जिसमें जब हम लोग वहाँ पहुँचे थे तो उसमें अनियमितता पाई गई थी, तो हमने उस सड़क को रुकवा दिया गया है। और अभी जो हमारे सामने बातें निकल के आ रही हैं, उसमें ये है कि इसमें पत्थर भी पड़ना था, जो कि वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं डला है। इस सड़क को हॉट मिक्स प्लांट से बनाना था, जो कि ये मैन्युअली बन रहा था, उसमें कहीं भी मशीन नहीं खड़ी हुई थी। उसके बाद एक प्रोविज़न भी होता है कि जब टेंडर पास किया जाता है तो ठेकेदार के पास प्लांट है या नहीं है वो उसका एफिडेविट लगाता है। अगर एफिडेविट लगा है तो किस बिहाफ पे वो एफिडेविट अधिकारियों ने एक्सेप्ट किया है, जब ठेकेदार के पास प्लांट है ही नहीं। इस पे ये ठेकेदार के खिलाफ 420 का भी मुकदमा बनता है। क्या इसमें सिंचाई विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत है ठेकेदार के साथ में? जी हाँ, अगर इतना बड़ा भ्रष्टाचार की आप देखिए, अगर मैन्युअली ये काम चल रहा है और हॉट मिक्स प्लांट के द्वारा ये सड़क बनाई जानी थी, तो इसमें जरूर कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी ठेकेदार के साथ मिले हुए हैं, तभी इतनी बड़ा एक परिप्रेक्ष्य में ये काम किया जा रहा था, नहीं तो इतनी हिम्मत नहीं हो सकती थी। और अभी चुनाव के टाइम पे मैंने भी सुना है कि इस चीज़ को दूसरी तरफ मोड़ा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की पोल खुली है। ये पोल नहीं खुली है, अभी ये काम शुरू हुआ था, जिसपे हमने जाके वहां इस चीज की देखा कि विकास कार्य में जो अनियमितता पाई जा रही थी, हमने उस भ्रष्टाचार को रोका है और उस सड़क को भी अभी हमने रुकवा दिया है। विधायक जी, क्या इन अधिकारियों की आप मुख्यमंत्री जी से शिकायत करेंगे कि जो भ्रष्ट अधिकारी सरकार की छवि की खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल की जाएगी, और हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये टेंडर 116 का था और 164 इसका एस्टीमेट है, इसमें आपका क्या कहना है? ये भी पूरी जांच आएगी। हम लोगों को भी यही पता चला था कि ये 1,16,38,000 की सड़क का निर्माण कार्य है, लेकिन उसके बाद में जैसे अब ये बात भी खुल के आई है कि ये हॉट मिक्स प्लांट से बननी थी, ये चीज़ें आई हैं हमारे सामने। हम पूरा इसका विषय पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे, और जो भी अधिकारी इसमें भ्रष्ट पाए जाएंगे उनके सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की जाँच की मांग कर रहे हैं आप? हमारी जांच की मांग SIT टीम के द्वारा कराई जाए, हमारी यही मांग रहेगी, क्योंकि हमारे ऊपर भी कुछ अभी प्रेशर आने शुरू हो गए हैं कि इस मामले को रहने दिया जाए, लेकिन मेरी विधानसभा में जो भी भ्रष्टाचार या गलत काम करेगा उसके खिलाफ